एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सच काइंड ऑफ और सच काइंड्स ऑफ क्या है, या सच टाइप ऑफ और सच टाइप्स ऑफ क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सच टाइप ऑफ या सच टाइप्स ऑफ, सच काइंड ऑफ या सच काइंड्स ऑफ, इन सभी का मतलब होता है इस तरह का या इस प्रकार का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप टाइप की जगह पर काइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप काइंड की जगह पर टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। आप एक की जगह पर दूसरा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सच टाइप ऑफ और सच टाइप्स ऑफ और सच काइंड ऑफ और सच काइंड्स ऑफ में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है, आइए सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखें, उसके बाद हम इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का आदमी पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक सच अ टाइप ऑफ मैन। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक सच अ काइंड ऑफ मैन, यानी आप कह सकते हैं सच अ टाइप ऑफ या सच अ काइंड ऑफ। और यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे कि टाइप या काइंड के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है मैन, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक सच टाइप्स ऑफ मैन। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ मैन। यहाँ मैंने अपने पहले सेंटेंस बोला टाइप्स और दूसरे सेंटेंस बोला काइंड्स। तो अगर आप अपने सेंटेंस को टाइप्स या काइंड से बोलेंगे, तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है मेन, जो कि मैन का प्लूरल है, यानी बहुवचन है। टाइप या काइंड वाले सेंटेंसेज में आप सच के जगह पर दिस या दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस तरह के सेंटेंसेज में सच के जगह पर दिस या दीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का सेब पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एप्पल। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल, यानी मुझे इस प्रकार का सेब पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ एप्पल्स। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल्स, यानी आप अपने सेंटेंस में टाइप्स या काइंड्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं अभी बताऊं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का कार पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कार। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ कार, या आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ कार्स, यानी मुझे इस तरह का कार पसंद नहीं है। अगर आपको कहना हो मुझे इस तरह का वीडियो पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट लाइक दीज टाइप ऑफ वीडियो। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियो, और आप ये भी कह सकते हैं I don't like these types of videos. आप ये भी कह सकते हैं I don't like these kinds of videos. यानी मुझे इस तरह का videos पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया। आइए अब देखें टाइप और टाइप्स में क्या फर्क है, काइंड और काइंड्स में क्या फर्क है, यानी कब हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा है, जो है आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एप्पल और दूसरा आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ एप्पल। यहाँ पहले सेंटेंस में जो मैंने बोला दिस टाइप ऑफ, जिसका मतलब हुआ इस प्रकार का या इस किस्म का, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो किस्म है वो एक है या सिंगल है। और वहीं दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला दीज टाइप्स ऑफ, जिसका मीनिंग हुआ इस किस्म का, इस प्रकार का। लेकिन यहाँ दीज टाइप्स ऑफ का सेंस है मेनी टाइप्स या मेनी काइंड्स। लगता है आप समझे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसके पास सिर्फ एक ब्रांड का सेब है,
और अगर आपको वो ब्रांड पसंद नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ या दिस काइंड ऑफ। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे दुकान पे जाते हैं जहाँ कई अलग अलग जगह के सेब हैं, यानी वहाँ पर जो सेब है वो सब अलग अलग जगह का है या अलग अलग ब्रांड से है और आपको उनमें से कोई भी ब्रांड पसंद नहीं, तो वहाँ पर आप कहेंगे दीज टाइप्स ऑफ या दीज काइंड ऑफ। लगता है आप अभी भी कंफ्यूज हैं। आइए एक एग्जांपल और देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर किसी ने यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो दिखाया और आपको वो वीडियो पसंद नहीं है तो आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो। आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो। लेकिन अगर किसी ने आपको कई सारा अलग अलग वीडियो दिखाया, यानी आपने क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखा, फुटबॉल से रिलेटेड वीडियो देखा, आपने WWE वाले वीडियो देखे, लेकिन इनमें से कोई वीडियो आपको पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर कहेंगे आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज। यानी यहाँ पर जितने भी किस्म हैं, इनमें किसी भी किस्म का वीडियोज मुझको पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आ रही है कि जब किस्म एक होगा तो वहाँ पर आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ या दिस काइंड ऑफ। आप ये भी कह सकते हैं सच अ टाइप ऑफ। लेकिन अगर वहाँ किस्म ज्यादा है, यानी प्रकार ज्यादा है, तो फिर आप कहेंगे सच टाइप्स ऑफ या सच काइंड्स ऑफ या दीज टाइप्स ऑफ या दीज काइंड्स ऑफ। इन सभी का मतलब एक ही होता है। जो आपको अच्छा से समझ में आया आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।